हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है, पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी थी, जिसके चेयरमैन थे इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन जी। तो दोस्तों, इन्हीं के अंडर में एक और नई कमेटी बनाई है, जो कि फ्रेंड्स स्टीयरिंग कमेटी रहेगी फॉर डेवलपिंग ए न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF। दोस्तों, जिस तरीके से अभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डिटेलिंग के साथ, उस तरीके से इस न्यूज़ के जो की पॉइंट्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कमेटी के टोटल 12 मेंबर्स रहेंगे और कमेटी का टेन्योर दोस्तों है 3 साल। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था के पहले एक्स चेयरमैन थे। तो आपको पता है इसरो के 12 मेंबर है और ये क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कमेटी का, डेवलपिंग ए न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि ये पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसके भी चेयरमैन थे और NEP में ही बोला गया था कि नया NCF डेवलप किया जाए। उसके बाद में आगे हम चलते हैं। इसके पहले ऐसा जो NCF पहले 2005 में डेवलप किया गया था, और यही जो डॉक्यूमेंट है, यही गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत जो टेक्स्ट बुक्स, सिलेबस और टीचिंग प्रैक्टिस है डिसाइड होती है। बेसिकली एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह, डायरेक्शंस की तरह काम करता है, जो टेक्स्ट बुक्स, सिलेबस और टीचिंग प्रैक्टिसेस जो फॉलो होती है उनके अंदर। उसके जैसे ये जो बेसिकली NCF जो रहेगा, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके बेसिस पे टेक्स्ट बुक रिविजन की जाएगी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्था के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं जो मैंडेट दिया गया है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कमिटी, उसमें इसको बोला कि 4 तरीके के फ्रेमवर्क्स इनको डेवलप करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला रहेगा टू गाइड द करिकुलम ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा दूसरा टीचर एजुकेशन, भाई जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको भी तो कुछ ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको भी तो एजुकेट करना पड़ेगा। उसके अलावा तीसरा है दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको किस तरीके की एजुकेशन देनी चाहिए, क्या उनको ध्यान में रखनी चाहिए बातें, किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए वो। और एक एडल्ट एजुकेशन, दोस्तों जो अडल्ट पॉपुलेशन है, अडल्ट जो हमारी जनता है, उसके लिए भी प्रॉपर एजुकेशन जरूरी है। तो ये 4 जो एरियाज हैं फ्रेमवर्क डेवलप करेगा ये पर्टिकुलर पैनल। तो आई होप आपको ये काफ़ी, जो बाकी इसमें मेंबर्स के जो बाकी अलग जो 11 मेंबर्स उसके बारे में दिया गया है, काफ़ी प्रसिद्ध लोग हैं, तो आप क्विकली एक बार देख सकते हो, लेकिन एक हल्का सा आप अंदाजा ले सकते हो। काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां इस पैनल का हिस्सा है। तो की पॉइंट्स तो मैंने बता दिए, हालांकि कोई मेंबर का नेम भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पैनल। तो आप सभी से उम्मीद है कि जो 12 पैनल मेंबर्स हैं सबको याद रख लेना एक बार, कम से कम क्विकली एक बार गो थ्रू तो कर ही लेना। तो ये न्यूज़ को पर्टिकुलर अच्छे से कवर कर लिया। एक छोटी सी न्यूज़ और अपन देख लेते हैं, जो अभी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नए VR चौधरी जी अपॉइंट हुए हैं। अभी फिलहाल जो RKS भदौरिया जी हैं 30 सितंबर को रिटायर होने वाले, याद रखना इसको भी।